जब मोदी जी पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, तो जो कह रहा है आप यहाँ आके दिए, बताइए हमको, समझाइए, अगर आम जनता को समझाइए, क्या समझा सकते हैं आप मोदी जी के विरुद्ध। सर आपको जैसा कि पता है राहुल गांधी ने अपनी दी गई स्पीच में ये कहा कि भारत का लोकतंत्र दबाव में है और भारत का न्यायालय मीडिया भी स्वतंत्र नहीं है, तो इसको क्या कहना है? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम अतुल जोशी, मैं आया हूं रुद्रपुर से, उत्तराखंड से। आज मैं रुद्रपुर का जब रेलवे स्टेशन देखता हूँ तो रेलवे स्टेशन इस तरह से दिखाई देता है, बिल्कुल साफ सुथरा, उसमें आप चेहरा अपना देख सकते हैं, इस तरीके का जो है फर्श उसका दिखाई देता है, यानी इतना साफ सुथरा रेलवे स्टेशन आज से 8-10 साल पहले नहीं था। ये हमारे राष्ट्रनायक मोदी जी की संकल्प शक्ति जो उनकी है उसको प्रदर्शित करने का एक जरिया आप देख सोच सकते हैं कि ये एक उदाहरण है जो उन्होंने स्वच्छता अभियान छेड़ा। बीच में ये कोरोना नहीं आया होता तो हो सकता है हमारा देश आज और बहुत आगे होता। कोरोना ने हमारे यहाँ थोड़ी सी ब्रेक लगाने की कोशिश करी, लेकिन हमारे माननीय मोदी जी, जिनके बारे में जो है लोग कहते थे ये तो थाली घंटा बजवा रहे हैं, और ये कहते थे कि ये इनका ये थाली घंटा बजवाने का एक ड्रामा है, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ भी व्यक्ति हूँ, तो मैं जानता हूँ कि वो थाली घंटा क्यों बजवाया गया था। थाली घंटा इसलिए बजवाया गया था कि हर देशवासी को पता लग गया कि अब कोई खतरा आने वाला है। ये थे मोदी जी के विचार। और मोदी जी के बारे में थोड़ा और बहुत कुछ कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने जब वैक्सीन बनाई तो शुरू में मुझे भी बड़ा डर लगता था, और ये लगता था जब WHO की रिपोर्ट आई कि ये भारत में तो 50 करोड़, अपुष्ट समाचार के अनुसार 50 करोड़ व्यक्ति मर जाएंगे, लेकिन मोदी जी ने जब इतनी जल्दी यहाँ वैक्सीन भी बनवा दी और लगवा भी दी, तो मैं खुद अपने आप में बड़ा आश्चर्यचकित था कि इतना बड़ा काम मोदी जी ने कैसे संभव कर दिखाया इस भारत में। हमने बल्कि जो उन्होंने हमारे देशवासियों को ही नहीं बल्कि 60% वैक्सीन तो हमने एक्सपोर्ट की और दूसरे देशों को भी यहाँ से उसको भेजा गया। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी जब अपने कार्यकर्ताओं को अभी पिछले दिनों संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि हर पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्ष ये सुनिश्चित करे कि पन्ना प्रमुख के पन्नों में जितने नाम लिखे हुए हैं उसके घर वो और उसके घर वाला कोई भी कुपोषित ना रहे। यानी कितने उच्च विचार है मोदी जी के। जी जी माफ कीजिएगा, एक सवाल मेरा आपसे ये था कि राहुल गांधी ने ये भी कहा कि विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया, तो वो किस बलबूते पे वो कैसे कह रहे हैं और किस तरफ इशारा करके कह सकते हैं, मतलब कह रहे हैं राहुल गांधी, तो उस पर आपका क्या विचार है? जी जहाँ तक जेल में डालने की बात आ रही है तो ये तो जो है स्पष्ट है ना कि वो तो जब कोर्ट में गया मामला, ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट में ना गया हो, और कोर्ट में गया और इसके बाद कोर्ट ने उनको जो भी गिरफ्तार हुए थे उनको कहाँ का रास्ता दिखाया, जेल का रास्ता दिखाया ना, तो उसमें तो जो है मोदी जी या और कोई कुछ कर नहीं सकते, वहाँ तो कानून ही अपना काम करेगा ना। लेकिन वो राहुल गांधी ये भी तो कह रहे हैं ना कि कानूनी दबाव में, न्यायालय ही दबाव में, मीडिया दबाव में है, तो बताइए फिर अगर वो जेल में डाल भी रहे हैं, कोई फैसला सुना भी, तो हम कैसे मान सकते हैं कि अब वो स्वतंत्र है कि नहीं है? अब ये तो एक सवाल खड़ा हो गया ना बड़ा गंभीर। देखिए इस तरीके के प्रश्न उठाना एक दिमागी दिवालियापन का, मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ कि दिमागी दिवालियापन की निशानी है, क्योंकि जब हम अपनी संवैधानिक संस्थाओं पर ही विश्वास नहीं रखेंगे और जब सुप्रीम कोर्ट या मिलिट्री या कहना चाहिए हमारे जो दिन रात लगे हुए लोग हैं, जो देश को उठाने में लगे हुए हैं, उनके ऊपर अगर हम अपना विश्वास नहीं रखेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये देश तो रहना चाहिए ना, इस देश को रखने के लिए और राष्ट्रभक्ति भी थोड़ी बहुत तो हर एक के अंदर होनी चाहिए, होनी तो भरकूट कूट के भरी हुई होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रभक्ति भी तो आवश्यक है ना। अब लोगों ने तो ये तक आरोप लगाया कि अरे कौन सा ऐसा गुजराती था जिसने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी हो, या कौन सा ऐसा गुजराती है जिसने जो है सेना में अपनी जान दी हो। तो मैं यहाँ ये कह देना चाहता हूँ कि वो कौन थे? मोरारजी देसाई गुजराती थे। महात्मा गांधी कौन थे? गुजराती थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? गुजराती थे। ये भी तो बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। जी जी बिल्कुल। आप खत्म कर लीजिएगा, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये है कि ये भी तो हो सकता है कि राहुल गांधी जो ये बातें कह रहे हैं वहां जाके, तो ये कहीं ना कहीं सही हो, मतलब उनको कुछ ऐसा दिखा हो हमारे देश के अंदर जो वो बता ना पाए, लेकिन उस दिन उन्होंने बता दिया, तो कहीं ना कहीं वो सही भी तो हो सकते हैं। मतलब ऐसे बिल्कुल गलत ही ठहरा देना वो गलत नहीं होगा क्या? देखिए आप ये बात कह रही हैं, लेकिन इस बात से मैं इत्तेफाक 1% भी इत्तेफाक नहीं रखता,
क्योंकि जो अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप अपने देशवासियों के सामने कहिए ना। आपके ये जितने सारे लोग जो यहाँ मौजूद है, 1 अरब और 40 करोड़, ये भी तो सुन रहे हैं। ये एक आवाज़ में आज क्यों उठ जा रहे हैं मोदी जी के पीछे, इस बात को भी तो सोचना चाहिए उनको, बजाय उसको विदेशी क्या करेंगे हमारा। या आप तो ना किसी का डर भी नहीं है, जब मोदी जी पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, तो जो कहना है आप यहाँ आके कहिए, बताइए, हमको समझाइए, अगर आम जनता को समझाइए, क्या समझा सकते हैं आप मोदी जी के विरुद्ध। लेकिन आप ये जो है विदेशों में जाके बदनामी कर रहे हैं, ये सरासर आपके दिमागी दिवालियापन का नजरिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभी हमने आपकी बातचीत दिल्ली की जनता से करवाई है, और उनका कहना है कि अगर उनको कोई भी ऐसी समस्या थी, राहुल गांधी जी को कोई भी ऐसी बात उनको कहनी थी, अपनी या अपना कोई ऐसा पक्ष रखना था, तो हमारे देश के अंदर रखते, चाहे वो विपक्ष के सामने रखे, चाहे वो भारत की जनता के सामने रखे, चाहे वो मीडिया के थ्रू रखते, चाहे वो किसी और डिजिटल माध्यम के थ्रू रखते, लेकिन अपने देश के अंदर रखते। बाहर जाके, अपने देश के बाहर जाके, विदेश में अपने देश के बारे में ऐसी ऐसी बातें कहना जरा सा गलत है, और हमारी भारत की जनता इस बात को बिल्कुल भी सहमति के तौर पर नहीं देखती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं खुशी राणा, कैमरामैन कनिष्क के साथ साउथ ब्लॉक से।